Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन में क्या कवर करेंगे, लिस्ट आपके सामने है. विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू ब्रीफ अबाउट इंडेक्स. बेसिकली यू कैन से इट एज कि अच्छा इस सेशन में ये कुछ रहने वाला है. दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग. ये आर्टिकल्स हैं, ये मेन्स के परस्पेक्टिव से प्रिलिम्स, वो सारी डिस्कशन पहले कर लेते हैं. सेशन अच्छा लगे तो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट, और कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी जरूर दे देना. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो यहां पर पहला जो आर्टिकल आपके सामने है दैट इज रिगार्डिंग हसल मीनार. तो कहाँ पड़ता है ये सारी डिस्कशन होगी. आर्किटेक्चर कैसा है इसका, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आपके पेपर वन से भी लिंक करता है और वैसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ग्रो रिपोर्ट बेसिकली क्या है और इसके विद रिस्पेक्ट टू ग्रो रिपोर्ट बेसिकली एंड पोर्टल इज ऑल्सो लॉन्च बाय द मेंबर ऑफ नीति आयोग. सो वट डू यू मीन बाय ग्रो पोर्टल, आई वुड से स्पेसिफिकली पोर्टल. सो वट इज ग्रो पोर्टल, राइट. तो वो सारी डिस्कशन होगी, उसके क्या फीचर्स हैं वो होगा. सो रादर एज अ रिपोर्ट लेट्स मेंशन इट एज पोर्टल. ठीक है, बो टाइगर इज अ फ्लोरा फना वेजिटेशन और बाकी जो इसकी लोकेशन है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, 200 जयंती सेलिब्रेशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती. तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, पेपर वन से भी लिंक होता है और वैसे आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के बारे में जानेंगे और देन विल डिस्कस अबाउट इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030. तो बेसिकली ये आपके जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो, जीएस पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिंक हो सकता है. मैं आपको बताऊं ये आपके ना जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 तीनों से लिंक होता है. जीएस पेपर 1 में देखो आपको जब हम मिनरल की बात करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, वो आप उससे कनेक्ट करो, राइट. जीएस पेपर 3 में आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कनेक्ट करो. जीएस पेपर 2 में आप अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, तो वो आपके से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी. इंडियन इकोनॉमी से बेसिकली आप इसको रेफर कर सकते हो. बट ये जितनी भी बातें हैं कि आप इसको कैसे रेफर कहाँ कहाँ कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस अगर आपने नहीं पढ़े हैं, अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है, तो फिर आप कनेक्टिविटी ला ही नहीं पाओगे. तो अपने सिलेबस को पहले टिप्स पे याद कर लीजिए. तो यहाँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपना इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030 रिपोर्ट दैट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड वगैरह देख लेंगे. मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छा इस सेक्टर में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, क्या इंटरवेंशंस हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं आउट ऑफ डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है. रिपोर्ट के हाईलाइट्स क्या हैं वो इंपॉर्टेंट है. सो जब इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे आएंगे तो फिर वो सारी डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है, तो आई होप अब आपको एक आइडिया लग गया है कि अच्छा ऐसे हमें इस पर्टिकुलर सेशन में प्रोसीड करना है. ये कुछ आर्टिकल्स रहेंगे जो हम कवर करेंगे. शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेल्ड द इनिशिएटिव ऑफ नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेइंग इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रिएटर कम्युनिटी पुटिंग द स्पॉटलाइट ऑन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अक्रॉस इंडिया. तो बेसिकली क्या ये अवार्ड है, किस डायरेक्शन में, किस पर्पज से ये दिया जा रहा है, वो सारी बातें कर लेते हैं. एक स्पेशल रिकॉग्निशन है फॉर द यंग वंस, राइट, इंटरनेट सेवी इंडिविजुअल्स यू कैन से, जो कि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं ऑनलाइन. सो एक अपॉर्चुनिटी है टू सेलिब्रेट द क्रिएटिव टैलेंट ऑफ द यंगर जनरेशन इन इंडिया, टू एनकरेज दैट टैलेंट ऑल्सो. सो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड इज अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव दैट हैज बीन प्रेज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है ऑन रिकॉग्नाइजिंग द टैलेंट ऑफ यंगर जनरेशन, सेलिब्रेटिंग द टैलेंट ऑफ यंगर जनरेशन. जेंजी बोलते हैं ना, तो बस वही. सो जो जेंजी एक्टिवली एंगेज हैं विद द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया. सो यहां पर लेट मी डिस्क्राइब इट इन मोर सिंपल टर्म्स टू यू. सो दिस अवार्ड इज फर्स्ट अवार्ड ऑफ इट्स काइंड, राइट. सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अवार्ड है दैट विल बी टारगेटेड एट जेंजी. एंड अभी ये जेंजी
कौन एक आता है ना कि आफ्टर जो 2000 born है वो जेन जी होते हैं, मुझे नहीं पता है 1999 2000 born, आप बताना कमेंट सेक्शन में। हालांकि यूपीएससी नहीं पूछेगी, इट्स जस्ट कि चलो आपको पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता है तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जो है इट इज फर्स्ट ऑफ द अवार्ड ऑफ इट्स काइंड एंड इट इज डिजाइन टू अप्रिशिएट दैट क्रिएटिव वर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली द यंगर जनरेशन, राइट? सो दिस अवार्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स जेंजी, जिनको हम यंगर जनरेशन बोलते हैं, जो कि इंटरनेट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, सोशल मीडिया में काफी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, एंड दिस दिस ग्रुप इज नोन फॉर देयर डिजिटल क्रिएटिविटी, है ना, इनोवेशन। अभी आप देखो इंस्टाग्राम चलाओ, अभी मत चलाना, पहले प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, यूपीएससी की तैयारी करो, उसके बाद सोशल मीडिया पे आ जाना, ठीक है? हाँ, अब ये मत बोलना कि क्या यूपीएससी की तैयारी करते टाइम फेसबुक और इंस्टा सब बंद कर देना चाहिए, कंप्लीटली अप टू यू। आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो डेफिनेटली बंद कर देना चाहिए, अगर आपको पता है कि हाँ ये मैं अपने अच्छे के लिए यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो आई एम जस्ट फॉर 2 to 3 minutes, और उसमें भी आई एम गोइंग थ्रू लाइक न्यूज़ वगैरह देखते हो, सो ऑब्वियसली अच्छा है। सोशल मीडिया वही है कि फायदे के लिए भी है, नुकसान के लिए भी, इट्स अप टू यू कि आप कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, बंद कर दोगे तो बाहर ही रहोगे, उन चीज़ों से फोकस ज्यादा कर पाओगे, बट हाँ इंडिविजुअल हर एक का अपना अपना सिनेरियो है। सो द मेन गोल ऑफ, कमिंग बैक टू द अवार्ड ना, तो द मेन गोल ऑफ द अवार्ड इज टू शाइन अ स्पॉटलाइट ऑन दोज चेंज मेकर्स, डिजिटल क्रिएटर्स जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं थ्रू देयर वर्क। सो अवार्ड का एम है उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको सपोर्ट करना, गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन शोकेस देयर टैलेंट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दिस अवार्ड हैज स्पेसिफिक गोल्स, ये जो आपके सामने है, ताकि मतलब गोल्स हैं, क्राइटेरिया है टू एनकरेज द डाइवर्सिटी एंड द पॉजिटिव इम्पैक्ट थ्रू डिजिटल मीडिया। सो यहाँ पर इसका एम है टू बूस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल मीडिया इन क्रिएटिंग दैट पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट, है ना, मतलब ऐसी यू इट वॉन्ट्स टू जनरेट दैट डिस्कशन दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, सो एम्पलीफाई द डाइवर्स वॉइसेस, यू कैन से। और क्या करते हैं ये इनिशिएटिव, कम्युनिटीज को साथ में लाता है, डिजिटल क्रिएटर्स की, लीडर्स की, गवर्नमेंट की, ताकि सब कोलैबोरेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए, एंड आइडिया क्या है, सोशल रेवोल्यूशन को। सो द गोल इज टू स्पार्क द सोशल रेवोल्यूशन राइट ड्यूरिंग दिस अमृत काल टाइम। सो द नेशनल क्रिएटर अवार्ड इज सीन एज अ लॉन्च पैड फॉर यूजिंग क्रिएटिविटी, वेयर उस क्रिएटिविटी से यू कैन ड्राइव पॉजिटिव चेंज, यू कैन एम्पावर द अपकमिंग जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपनी एज रिक्वायरमेंट और नेशनैलिटी, प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो जो पार्टिसिपेंट हैं 18 साल की उनकी एज होनी चाहिए जब नॉमिनेट किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज जो हैं दे आर ओपन एक्सक्लूसिवली टू द इंडिविजुअल्स ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, राइट? लेकिन हाँ, वन कैटेगरी इज डेडिकेटेड टू इंटरनेशनल डिजिटल क्रिएटर्स ऑल्सो। ठीक है जी, प्लेटफॉर्म की बात करूँ, सो कंटेंट दैट इज नॉमिनेटेड मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, एंड द कंटेंट कैन बी सबमिटेड इन इंग्लिश और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, इट कैन बी इन इंग्लिश और इट कैन बी इन एनी इंडियन लैंग्वेज एज वेल। सो क्रिएटर्स कैन सेल्फ नॉमिनेट इन अ मैक्सिमम ऑफ 3 categories एंड दोज नॉमिनेशन नॉमिनेटिंग अदर्स कैन नॉमिनेट इन ऑल 20 categories। ठीक है जी, सो ये बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो है हसल मीनार के बारे में। इन द एरा वेयर हेरिटेज प्रिजर्वेशन इज पैरामाउंट, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू अनरेवल द मिस्ट्रीज सराउंडिंग दिस पर्टिकुलर मीनार। कहाँ पड़ता है वो सारे डिस्कशन देख लेते हैं क्योंकि न्यूज में है, सो लेट्स बिगिन। ये एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, वेस्ट दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, स्मॉल विलेज में, और 1634 के टाइम पे इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो फिनिश्ड हुई थी, शाहजहां का मतलब मुगल एम्परर के जो शाहजहां थे उसके टाइम पे, एंड मिनी कुतुब मीनार इसे बोला जाता है, और लोकल्स नहीं, इट इज आल्सो नोन एज हत्सल की लाट और कौशल मीनार, मतलब अमंग द लोकल्स इट इज ऑल्सो नोन लाइक दैट। आर्किटेक्चर की बात करूं तो यहां पर इट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लखोरी ब्रिक्स और रेड सैंडस्टोन से ये कवर्ड है। मीनार जो है 17 meters है, 5 stories tall है, एंड दे आर एक स्क्वेयर प्लेटफॉर्म पे दे आर स्टैंडिंग विद एन ऑक्टागनल बॉडी,
यूपीएससी यहाँ से स्टेटमेंट डाल सकती है, रेड सैंडस्टोन से स्टेटमेंट डाल सकती है. जो स्टेयर केस है इनसाइड दिस 5 स्टोरी टावर, बेसिकली इट लेड टू द डॉम छतरी पवीलियन एट द टॉप. 3 स्टोरीज हैं इसकी, हर एक का ऊपर जैसे जैसे जाओगे डायमीटर रिड्यूस होता जाएगा एंड वो सब एक्सेसिबल है. देर इज अ वेरी नैरो स्टेयर केस. कभी आप मीनार में गए हो तो आपको पता हो, सिर्फ मैं ये मीनार नहीं कर रही, वैसे भी मैं बात कर रही हूँ. तो शाहजहां जो है वो इसको यूटिलाइज करते थे, इस मीनार को, एज वन ऑफ हिज हंटिंग लॉज ड्यूरिंग दी 17th सेंचुरी. प्रेजेंट कंडीशन ये है कि 2018 में इसको ग्रेड ए, इट वाज डीम्ड एज ग्रेड ए इन हेरिटेज वैल्यू, राइट, एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस. परमिशन ग्रांट कर दी गई थी फॉर इट्स कंजर्वेशन अंडर फेज 4 ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट, राइट, तो टू प्रोटेक्ट द लेसर नोन मॉन्यूमेंट्स इन द कैपिटल. सो एफर्ट्स हो रही है ताकि आप प्रिजर्व करें, ताकि आप मेंटेन करें सिटी की रिच हेरिटेज साइट्स को. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. हाँ जी, अपना ग्रो पोर्टल, क्या कहता है ये पोर्टल, किस लिए ये न्यूज में है. रिसेंटली द ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल वॉज लॉन्च बाय अ मेंबर ऑफ नीति आयोग. क्या लॉन्च हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सारी चीजें किस मतलब पर्सपेक्टिव से हो रही हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए. और आप लोग देखो, ऐसा है ना, मेंस में ऐसे सवाल नहीं आएगा कि आप इस पोर्टल के बारे में बताओ, डेफिनेटली नहीं आएगा. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़े हैं तो यू माइट नो दैट कि ऐसे सवाल यूपीएससी नहीं पूछती है. लेकिन ये आप जब वो क्वेश्चन दें आपको, तो आप उस क्वेश्चन में कनेक्ट कर पाएं कि हाँ, न्यूज में ग्रो पोर्टल था एंड आई कुड लिंक इट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मैं जैसे अभी इस पोर्टल के ऑब्जेक्टिव से आपको समझ आएगा, जैसे ये जो है इट इज रिगार्डिंग वेस्ट लैंड एंड एग्रोफोरेस्ट्री, तो ये आप अपने पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. पेपर 3 में जब पेपर 3 आएगा, पेपर 3 में एनवायरमेंट सेक्शन के अंदर जब हम रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, ये चीजें मेंशन करो अपने आंसर राइटिंग में. जब सरकार क्या कर रही है, ये चीजें मेंशन करो, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, है ना, कि क्या आपके नेशनल कमिटमेंट्स हैं और ग्रोस के साथ अलाइन कर रहा है. तो पर्पस सारा का सारा यही है कि आपको ये पता हो कि हाँ भैया, ये मेरा जीएस पेपर 3 के साथ लिंक हो रहा है. और ये साल भर के, ये तो आज आपने नोट कर लिया, ऐसे आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी पूरे साल की, ये एक्स वाई जेड टॉपिक है ये इसके साथ लिंक कर रहा है, ये एक्स वाई जेड टॉपिक है ये इसके साथ लिंक कर रहा है, ये टॉपिक इसके साथ लिंक कर रहा है. तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे जाके उसके बारे में ब्रीफिंग आपके पास होगी और वो अपने आंसर्स में ऐड कर सकते, नहीं तो भूल जाओगे क्या तो ग्रो पोर्टल है कि नहीं. बात समझो, ये है बात समझने की, ये है कनेक्टिविटी. और बहुत जरूरी है, तारें जोड़ना आना चाहिए, है ना. तो आजकल तो पेपर 2 पेपर 3 कनेक्ट हो गया आपस में. सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप अपनी परफॉर्मेंस को किस लेवल तक लेके जाते हो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस, और अपनी डेली मीन्स आंसर राइटिंग जारी रखो. ठीक है जी, चलिए ग्रो पोर्टल की बात करें. ग्रो रिपोर्ट पोर्टल, इट वॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस बाय द मेंबर ऑफ नीति आयोग. सबको पता है नीति आयोग इंडियन गवर्नमेंट की थिंक टैंक, इंडियन गवर्नमेंट थिंक टैंक. सो ये जो पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आगे बढ़ने से पहले यही पता होना चाहिए, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री सुटेबिलिटी मैपिंग पोर्टल. तो मुझे ये पता चल गया है कि समथिंग रिलेटेड टू वेस्टलैंड, उसकी रिस्टोरेशन की बात करेंगे, ग्रीनिंग की बात करेंगे, एग्रोफॉरेस्ट्री की बात करेंगे, डिग्रेडेड लैंड की बात करेंगे, है ना. सो ये जो पोर्टल है, इट प्रोवाइड्स एक्सेसिबल डेटा एट स्टेट लेवल्स, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. सो यू कैन फाइंड दिस पोर्टल ऑन, इट इज होस्टेड ऑन भुवन वेबसाइट. ग्रो इनिशिएटिव जो है, इट सपोर्ट्स इंडियाज नेशनल गोल दैट इज टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030, और एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करने की जो बात है, दैट इज ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, राइट. सो नीति आयोग स्पियरहेडेड दिस इनिशिएटिव. It collaborated with various institutions. They used advanced technologies, जैसे कि remote sensing हो गया, GIS हो गया, to evaluate what suitability of agroforestry across all the districts in India. So this effort aims to use technology and collaborative efforts so that you can restore the quality of land, you can enhance the quality of land in the country. So जो initiative है, that is led by Niti Aayog.
इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव एफर्ट है, सबका मिला जुला है, सब साथ में आ रखे हैं, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉयड एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज रिमोट सेंसिंग GIS, वेर यू कैन, ये क्या हेल्प करेगा आपको, एग्रोफॉरेस्ट्री को असेस करने में हेल्प करेगा अक्रॉस ऑल दी डिस्ट्रिक्ट्स. सो यूटिलाइजिंग थीमेटिक डेटा सेट्स द प्रोजेक्ट रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सुटेबिलिटी इंडेक्स ASI. कहने की बात यह है, एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट देर इज दिस इंडेक्स ASI, एग्रो फॉरेस्ट्री सुटेबिलिटी इंडेक्स, इट वॉज क्रिएटेड. ये इंडेक्स हेल्प करता है टू प्रायोरिटाइज सर्टेन थिंग्स, टू डिसाइड वेयर टू फोकस ऑन ग्रीनिंग प्रोजेक्ट, वेयर टू फोकस ऑन रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट एट द नेशनल लेवल. सो ये जो प्रोजेक्ट है इट यूजेस 5 मेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब यहाँ पर जैसे थीमेटिक डेटा सेट्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो डेटा सेट्स हैं दे आर अबाउट लैंड यूज हो गया, वेस्ट लैंड हो गया, स्लोप्स के बारे में, वाटर प्रॉक्सिमिटी की हाउ क्लोज दी वाटर बॉडीज आर, सॉइल के ऑर्गेनिक कॉन्टेंट के बारे में, बेसिकली द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितना है सॉइल में. सो एक्सपर्ट्स डिसाइड ऑन दीज फैक्टर्स कंसल्टेशन से, कंसिडरिंग की दैट आर क्रूशियल इन आइडेंटिफाइंग द प्लेसेज सुटेबल फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स. सो वेस्ट लैंड्स वर गिवन द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस इन द एनालिसिस. ठीक है, तो 5 रिमोट सेंसिंग डिराइव्ड मैथमेटिक थीमेटिक लेयर्स, दीज आर दी लेयर्स, और उसके बेसिस पे ये पैरामीटर्स सिलेक्ट किए गए एंड देन हाईएस्ट वेटेज वाज गिवन टू वेस्टलैंड्स. मतलब आपने देखा ना कि एग्रोफॉरेस्ट्री जोन्स के अंदर विच ऑल इज अ सुटेबल प्लेस फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट. ठीक है, तो द सिस्टम दे डेवलप्ड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एरियाज इन इंडिया दैट आर सुटेबल फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री. ठीक है जी, सो आपने उनको 3 तरीके से क्लासिफाई किया है, 3 कैटेगरीज में, हाईली सुटेबल, मॉडरेटली सुटेबल एंड लेस सुटेबल फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री. ठीक है जी, तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं ये देखूं तो इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि अच्छा, इट्स बेस्ट टू प्लांट ट्रीज एंड क्रॉप्स टुगेदर फॉर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स. ये एरिया हाईली सुटेबल है, ये मॉडरेटली सुटेबल है और ये लेस सुटेबल है. तो सिस्टम के फीचर्स क्या हुए? These all are the features. क्या फीचर्स है? It produces information about which area in each district are suitable for agroforestry on wastelands. It creates a ranking system for different areas. Prioritization की बात हो गई ना, categorizing them as highly suitable, moderately suitable, less suitable, right? So it helps prioritize कि आपको अपने एफर्ट्स जो है कैसे उसको डायरेक्शन देनी है, कैसे फोकस करना है. इसमें द सिस्टम जनरेट्स रियल टाइम मैप्स आल्सो, लाइव मैप्स दैट शोज द सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एरियाज फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री, कंटिन्यूअसली अपडेटेड होते हैं. देन जनरेट्स एनालिसिस स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स, द सुटेबिलिटी ऑफ दैट एरिया फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट ऑफर्स एन इंटरैक्टिव मॉडल tool that allow users to adjust, to customize certain factors based on your specific needs and local conditions. ठीक है जी, so ये हो गया अपना grow portal. Clear हो गया? कोई फिर भी doubt हो you can ask me in the comment section. अगला जो है वो है Bore Tiger Reserve. Homework पता है? Map में देखना है. अभी तक तो जो मेरे sessions के साथ regular है उन्हें पता चल जाता है कि homework क्या है. ठीक है, क्योंकि मैं ना इस पे इतना जोर इसलिए डालती हूँ क्योंकि अधिकतर बच्चे इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं. जिन चीज़ों को आप लोग लाइटली लेते हो मैं उस चीज़ों पे स्ट्रेस डालती हूँ क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. तो यहाँ पर अपना टाइगर रिजर्व को मैप में देखना है, अगर नहीं देखा तो समझ देना ये आर्टिकल आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आपका होमवर्क है, राइट. सो रिसेंटली बोर टाइगर रिजर्व सॉट ₹1 करोड़ फॉर वेरियस वर्क्स टू स्टार्ट वाइल्ड लाइफ सफारीज इन बंगदपुर एंड हिंगणी फॉरेस्ट रेंजेस. सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. नाउ एज फार एज दिस बोर टाइगर रिजर्व इज कंसर्न, इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको टाइगर रिजर्व 2014 में डिक्लेयर किया गया था. वर्धा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का बाय एरिया, और रिजर्व का एरिया जो है वो कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 138.12 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें ड्रेनेज बेसिन है ऑफ द बोर डैम. तो बाकी अदर देर आर सेवरल अदर बंगाल टाइगर हैबिटेट्स ऑल्सो, सो इट इज सेंट्रली लोकेटेड अमंग देम. मैप में जब देखोगे तो पता चलेगा कि ऊपर नॉर्थ ईस्ट में पेंच टाइगर रिजर्व लगता है, ईस्ट में नागजीरा नवेगांव टाइगर रिजर्व लगता है, फिर साउथ ईस्ट में कारहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगती है, और तडोबांधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट, मेलघाट वेस्ट में, सतपुरा टाइगर रिजर्व टू द नॉर्थ वेस्ट. पूरा मैप,
और इसमें कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 एरियाज आ चुके हैं, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए कवर, बस यही करना है। वेजिटेशन की बात करूं तो बैम्बू और सॉरी ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप वेजिटेशन है, और यहाँ पर आपको टी, तेंदू, बैम्बू ये सब स्पीशीज देखने को मिलेंगी, और एनिमल्स में लेपर्ड्स, लॉथ बियर, सांबर डियर ये सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200 जयंती सेलिब्रेशन, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने प्रोग्राम एड्रेस किया ऑन 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है मूल शंकर तिवारी, ही वॉज बोर्न एज मूल शंकर तिवारी 12 फरवरी 1824 में टंकरा गुजरात के अंदर। 15 सालों तक मतलब ही वॉन्डर्ड एज एन एस्केटिक इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ठीक है, आपने अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ही डेडिकेटेड 15 years ऑफ हिज लाइफ इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। 1886 के अंदर डीएवी स्कूल्स, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, दे वर एस्टैब्लिश टू ब्रिंग स्वामी दयानंद विजन टू लाइफ। इन स्कूल्स का एम है टू प्रोवाइड अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एजुकेशन विद मॉडर्न नॉलेज एज वेल। स्वामी दयानंद जी फॉर्मली सेटअप आर्य समाज यूनिट, द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट वॉज सेटअप बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी मुंबई में 1874 में, एंड लेटर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस समाज वर एस्टैब्लिश्ड एट लाहौर। आर्य समाज एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है जो एम्फेसाइज करता है टीचिंग्स ऑफ वेदास, सोशल इक्वालिटी प्रमोट करता है। तो स्वामी दयानंद ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम वेदास, आप ये देखो, he took inspiration from Vedas, considered them to be India's rock of ages, infallible hai, and true original seed of Hinduism. तो वो मानते हैं कि जो Vedas हैं, they are representing the true seed of Hindu philosophy and culture. तो इनका स्लोगन बैक टू वेदास, सो वन ऑफ द स्वामी, वन ऑफ स्वामी दयानंद टीचिंग वॉज इनकैप्सुलेटेड इन द स्लोगन बैक टू वेदास। ही एडवोकेटेड कि वी शुड रिटर्न टू द फाउंडेशनल टीचिंग ऑफ वेदास। ही एम्फसाइज द प्योरिटी, द सिंप्लिसिटी इन द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिजेक्शन ऑफ लेटर एडिशन इन टू इट, राइट। सो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती की लाइफ एंड टीचिंग के बारे में। ठीक है जी, तो यहां पर चलते हैं फिर अगले आर्टिकल के साथ। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज करी रिपोर्ट, दैट इज इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 रिपोर्ट। तो ये लुक्ड इनटू डेप्थ एट की हाउ इंडियाज रोल इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट में इवॉल्व ओवर द पीरियड थ्रू 2030। तो पूरा जो एनर्जी ट्रांजिशन ट्रेंड है वो उन्होंने दिखाया है यहाँ पर। तो ट्रांजिशन ट्रेंड क्या कहता है, ये लाइन्स आपके सामने हैं बट मैं आपको ओरली बताती हूँ, पर आप खुद भी सकते हो। ये कहती है, रिपोर्ट कहती है कि जो इंडिया की जो डिमांड है ना, ग्लोबल डिमांड 2027 तक अगर मैं प्रिडिक्ट करूं, चाइना को आप सरपास कर जाओगे एंड यू विल बी द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल ऑयल डिमांड। अब वो कितनी होगी वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इंडिया की ऑयल की डिमांड एंटिसिपेट करी जा रही है कि इट विल रीच अबाउट 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे बाय 2023। सो ग्रोथ इन इंडियाज डिमांड फॉर ऑयल वो है बिकॉज ऑफ अपना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, अपना इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक चेंजेस, दे आर फ्यूलिंग दिस नीड फॉर मोर ऑयल। वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट, वो कह रहे हैं मतलब रिपोर्ट कहती है कि बाय 2030 इंडिया की जो टोटल ऑयल डिमांड है वो पहुंच जाएगी टू 6.64 BPD, that is barrels per day, right? 6.64 million barrels per day. 2023 में it is 5.48. तो ये indicate कर रहा है कि there is a substantial growth in the country's reliance on oil for various sectors. So अगर मैं बात करूं जैसे डीजल की, it is the largest contributor to India's increased demand for oil. पेट्रोल की डिमांड जो है it is expected to grow at 0.7% on an average. एलपीजी की डिमांड इट इज एंटिसिपेटेड टू इंक्रीज। सो ये चीजें हैं, फ्यूल डिमांड ग्रोथ अलग अलग सेक्टर्स में। क्रूड ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है इट इज प्रिडिक्टेड टू राइज बाय ओवर अ फोर्थ। इट इज
इट कैन रीचिंग टू लाइक 5.8 मिलियन बैरल्स पर डे बाई 2030 बिकॉज ऑफ दैट ऑयल डिमांड इन इंडिया और ऊपर से डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन रीजन फॉर द इंक्रीज दे आर मैंशनिंग राइट. इंडिया की 85% नीड जो है ऑयल की वो इम्पोर्ट के थ्रू मीट हो रही है इस टाइम पे करंटली. एंड इंडिया अभी प्रेजेंटली थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का. पहले पे यूएस है, दूसरे पे चाइना है. ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनीज जो हैं दे आर इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इन रिफाइनिंग टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर ऑयल. देर आर डिस्कशंस गोइंग ऑन अबाउट अदर लार्ज प्रोजेक्ट्स ऑल्सो दैट कुड फर्दर इंक्रीज द इंडियाज रिफाइनिंग कैपेसिटी. इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इट्स पोजिशन एज की एक्सपोर्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स टू मार्केट्स इन एशिया एंड अटलांटिक बेसिन. तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में बात करूं इंडिया के रोल की, तो इंडिया का रोल एज अ ग्लोबल स्विंग सप्लायर वो इंक्रीज हुआ है. इसका मतलब इट हैज बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल इन सप्लाइंग द ऑयल प्रोडक्ट्स, है कि नहीं. 2023 में अगर देखो तो इंडिया वॉज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिडल डिस्टिलेट, मतलब आई एम टॉकिंग लाइक डीजल. ठीक है जी, सो ये बातें हैं. बायोफ्यूल में अगर बात करूं बायोफ्यूल डीकार्बोनाइजेशन की, तो बायोफ्यूल्स सबको पता है दे आर प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंडियाज एफर्ट्स टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस. इंडिया करेंटली थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया एंड कंज्यूमर ऑफ इथेनॉल. कंट्री हैज ट्रिपल्ड इट्स इथेनॉल प्रोडक्शन डोमेस्टिकली ओवर द लास्ट 5 years. इंडिया हैज वन ऑफ द हाइएस्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग रेट्स अराउंड 12%, मतलब मिक्सिंग दैट इथेनॉल विद गैसोलीन. ठीक है कि नहीं. सो ये सारी बातें हम वी आर अचीविंग दिस 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग रेट इन द शॉर्ट टाइम प्रेजेंट चैलेंजेस, बट देर आर या सर्टेन चैलेंजेस इन दिस डायरेक्शन एज वेल. एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर लो, अपने ईवीज की बात करो, तो ये चीजें इन एंड आउट रिपीट होती रहती है ना. बट आप मुझे ये बताओ, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, कम अप विद कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम एनर्जी सेक्टर के अंदर. इतने एफर्ट्स होने के बावजूद भी व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग. ठीक है जी, तो वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में. इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. कोई डाउट हो स्टिल यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आर सुकर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.